इस समय हम करका नाला के पुल के नीचे हैं और यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है। इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। इस पुल की अगर हम बात करें तो 105 मीटर लंबा यह पुल है, 3 स्पैन का पुल है। और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये जब कभी कोई भूकंप आएगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो बैरिंग्स हैं वो इसको अपनी जगह पर रखेंगे, यानी इसमें नुकसान होने की कम से कम गुंजाइश है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि पुल के नीचे हम लोग मौजूद हैं और ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यह पुल डेक स्लैब ओपन वेब गर्डर बोला जाता है, तो एक तकनीकी टर्म है। और यहाँ अगर हम इस पूरे के पूरे ट्रैक की बात करें तो यह ट्रैक हर तरीके से इसमें एक एक चीज़ों का ध्यान रखा गया। मैं कैमरामैन को कहूँगा इसका ऊपर का हिस्सा दिखाएँ कि किस तरह का यह पुल है। और इस पुल की अगर हम बात करें तो इस तरह के कई पुल इस पूरे के पूरे ट्रैक पर पड़ते हैं। 105 मीटर लंबा करका नाला के ऊपर का ये पुल हम आपको दिखा रहे हैं। और यह जो व्यू हम आपको दिखा रहे हैं ये अलग तरीके का व्यू है, क्योंकि नीचे की अगर हम बात करें तो इस समय पानी नहीं है, सूखा हुआ नाला दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे सेक्शन की बात करें तो इस तरह के कई पुल पड़ते हैं, और जिसमें जो ज़बरदस्त पुल की अगर हम बात करेंगे तो चेनाब नदी पर जो पुल है, बाकी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर इस तरह के पुल बनाए गए हैं, क्योंकि हिमालय के ऊंचे नीचे इलाके में ट्रेन को स्पीड में चलाना आसान नहीं है। तो यहाँ करका नाला के ऊपर जो पुल है उसका इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जब इंस्पेक्शन होता है तो कई चीज़ों की जाँच की जाती है। देखा जा गया कि इसमें बेयरिंग सही से लगी हुई हैं, नहीं लगी हुई हैं, साथ ही साथ इसकी जो दूसरे टेक्निकल पैरामीटर हैं वो सही हैं या नहीं हैं, तो इन सारी चीज़ों की चेकिंग की जाती है। साथ ही साथ ट्रैक की अगर हम बात करें तो ट्रैक पर यह देखा जाता है कि जो उसकी ग्रिप है, यानी पटरी की जो ग्रिप है, वो उतनी ताकतवर है या नहीं है, क्योंकि इस जगह पर ट्रेन चलाना आसान नहीं है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन करका नाला, USBRL।